यहाँ देखिए दादी का जो है बहुत तबीयत खराब है और बुखार भी है इसको। आप क्या बोल रही थी दादी? कुछ भी बोलिए करते दादी, जो भी मन में जेन मन में दुख से माँ दादी बोल दी अपने। दुख से मरे तू चाहे छी कि हमर जे निर्दोष से हमर बेटा पोता सब आब जाए। हो गया था। जान तो गया। ऐसा भी मतलब बोला जा रहा है कि करंट लगा के मारा गया। नहीं करंट लगा, करंट नहीं लगाया, नहीं लगाया। हम लोग को मारना था तो रहते ही मार देते ना, जब सोचते थे तो। और एक आपका आँख खुला लग रहा है। सोए हुए थे आप जी। आप इंटरव्यू में बयान दिए हुए हैं कि छोटू के पास जो था बंदूक था, क्या ये सच है? बोल रहा था तो मैं मेरा भैया को लेकर आए हैं। आप लेकर आया था कि नहीं लेकर आया था हमको भी पता नहीं। वो सिर्फ धमकाने के लिए बोल रहा होगा कि उसके पास बंदूक है, ये भी हो सकता है जी। तो अभी फिलहाल आपके घर में कौन कौन है? हाँ, मैं, मम्मी, दादी। और सब आपके गांव से आपको सपोर्ट मिलता है? उतना नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है। मिलवो न करता है, कोई कोई लोग होता है एक दो ठो भी करता है सपोर्ट करता है। हाँ। तो अभी आपके पापा जो है, आपके भाई जो है, वो जेल में है। आपके तरफ से वकील हायर किया गया है? पता नहीं, उनको नहीं पता। और वकील बोल रहे हैं, इसके तरफ से वकील हायर किया गया है और वकील बोल रहे हैं कि आपके पापा को और आपके भाई को छुड़वा लेंगे। आप ये बात आपको पता है? हाँ, मोबाइल में देखे थे। क्या आपको लग रहा है आपसे, आपके भाई से, आपके पापा से आपको कांटेक्ट हुआ है? नहीं नहीं हुआ है। नहीं। कोई मतलब कोई उधर से मतलब खबर नहीं आया है क्या हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं। आप लोग ऐसे रह रहे हैं जी। तो आप अपनी दीदी से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे हमसे? जो भी कहना चाहते हैं आप। हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे किया है वो घर आ जो बिखरा दिख रहा है सब कुछ ठीक करके चले जाएगी। मतलब वो आए और ठीक करके चले जाए? नहीं, रहे, रहना चाहती है तो रख लेंगे। आप लोग की तरफ से कोई इशू नहीं है? नहीं, कि मतलब आएगी तो हम नहीं रहने देंगे? नहीं, नहीं। आप लोग रख लेंगे। जिस रात का घटना उस रात आप कहाँ थे? हम घर में। कितना बजे आपको पता चला? हमको हंगामा जो मचा ना 3 या 2 बजे तभी। आप ये भी बोला जा रहा है कि आपकी भाभी जो है फोन करके बुलाई थी? नहीं नहीं, हुआ यानी आरती ही फोन करके बुलाई थी? हो सकता है, तब ना आया होगा। और इससे पहले अभी एक बयान आपका आया है कि छोटू जो है बार बार आपके घर में आता था? नहीं, पता नहीं, हमने देखे थे, फर्स्ट डे देखा मेरा भैया तब उसको पकड़ा। नहीं, ऐसा आया है कि यहाँ के ग्रामीण जो है बोल रहे थे कि तुम्हारे घर में चोर घुस रहा है, चोर घुस रहा है, ऐसा कुछ? नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम इनका हालत दिखा रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। इनके यहाँ कोई नहीं है एक खाना तक बनाने के लिए। खाना कौन बनाते हैं आपके यहाँ? दादी बनाती। दादी बनाती है? कभी बनाती है, कभी नहीं बनाती। इसने रह जाते हैं आप लोग? नहीं, खा लेते हैं। खा लेते हैं जी। तो देख लीजिए इसका हालत, जो देख लीजिए आप लोग कितना खराब हो चुका है। आपकी बड़ी दीदी जो है उनका भी पति जो है वो भी जेल में है। जेल में। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं सबको छोड़वा दीजिए। आपका जीजा जी जो है वो निर्दोष है? हाँ, निर्दोष है। वो कमाते थे, खाते थे, जोधपुर से आते वो अभी किया था, वो एक दो महीना होता है। बाहर में रहते थे? बाहर, बाहर से आई थे उनको बेमतलब का। मतलब सुबह में कितने बजे आए थे? 6-7 बजे आए थे। 6-7 बजे? नहीं, आपकी दीदी भी बोल रही है 7-8 के बीच में वो उससे पता, उससे पहले छोटू का हो गया था, जान तो गया। ऐसा भी मतलब बोला जा रहा है कि करंट लगा के मारा गया? नहीं, करंट लगा, करंट नहीं लगाया, नहीं लगाया। हम लोग को मारना था तो रहते ही मार देते ना, जब सोचते थे तो। और एक यहाँ पे डॉक्टर भी है जो ये भी पता चल रहा है कि उसको सुई दिया, उसके बाद वो मतलब उसका डेट हो गया, पता नहीं। एक गांव का है ना, ग्रामीण है, निर्भय, जिसका आरती ने बयान दिया है डॉक्टर। पता नहीं क्या कर रहे हो, फंसाते यहाँ देखिए दादी का जो है बहुत तबीयत खराब है और बुखार भी है इसको। आप क्या बोल रही थी दादी?
कुछ भी बोलिए दादी, जो भी मन में जे मन में दुख से दादी बोल दी अपने। तू चाहे छी हमर जे निर्दोष छे हमर बेटा पोता सब आब जाए, सब निर्दोष छे। लेकिन ये भी तो पता आप ही की यहाँ ये डेट हुआ है, आप ही की यहाँ तो देहांत हुआ है छोटू का। अथे छोटू मरलो है, छोटू अथे मरल रहे। अच्छा चलिए, ज्यादा दादी को मत बुलाइए, दादी बोलने के। देखिए दादी जो है ये रोने लगी, काफी इसका तबीयत भी खराब है, तो हम इनसे ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं। और आप लोग से यही दुआ है, यही आप लोग निष्पक्ष नहीं और पक्ष भी नहीं, आप लोग जैसा न्याय करिएगा वैसा ही होगा, आप लोग सोच समझ के ही न्याय करिएगा।